शहर में चोरों का आतंक जारी है, जहां एक बार फिर से चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है। ताज़ा मामला बिष्टपुर गुरुद्वारा बस्ती के समीप का है, जहां मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने मैला टंकी के पास स्थित काली मंदिर के दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, एक माह पूर्व बागबेड़ा के जगदीशपुर रोड के काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और आज बिष्टपुर के काली मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वैसे इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मंदिर कमेटी का कहना है कि देर रात पुजारी मंदिर का पट बंद कर गए थे। सुबह मंदिर पहुंचने पर देखा कि मंदिर का दान पेटी क्षतिग्रस्त है। वहीं स्थानीय लोगों ने बिष्टपुर थाना और मंदिर कमेटी को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों से दान पेटी नहीं खुला था। कमेटी का कहना है, काली पूजा में मंदिर का दान पेटी खोलकर पूजा में खर्च करने की बात थी। वैसे आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने दान पेटी तोड़कर लगभग लाखों रुपए की चोरी कर ली है। इस तरह की घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। करीब करीब 1.5 साल से इनके दान पेटी का ताला नहीं खोला गया था। हम लोगों ने विचार किया था कि काली पूजा के समय में खोला जाएगा। कल रात्रि के समय इस घटना घटी है। साइड वाला मंदिर का ताला तोड़ के, गेट के ताला तोड़ के दान पेटी के थ्रू सारा पैसा राशि निकाल ली गई। एक लाख की लगभग चोरी का कारण क्या बताया इसमें कि देखिए हमारा सब सामान है, दान पेटी को एक मतलब वही है लग रहा है। पहले भी एक बार हो चुका है जो ये दान पेटी नदी किनारे पे मिला था। उस समय आज मतलब 2 साल पहले की बात है। अब फिर हम लोग इसमें मतलब बताइए 2 साल बाद फिर यही एक जो मेन दान पेटी मतलब सामने फ्रंट पे है उसी में, और कैश उसी में जा रहे थे क्योंकि उसको हमें 1.5 साल से खुले नहीं थे। और जो छोटे छोटे दान पेटी उसको आज हम लोग सबको ये कि भाई फिर कहीं वैसा ना प्रॉब्लम हो जाए।